हाय गाइस, वेलकम बैक टू ट्रैवल एंड वर्ब। गाइस, आज का व्लॉग जो होने वाला है वो बहुत प्यारा सिंपल सा होने वाला है, जो कि है पहाड़ी शादी। तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अभी रात के 12 बज रहे हैं और इनकी रस्में इस टाइम यही हो रही है। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और आप देख सकते हो अंबिका जो है हमारे साइड पे वर्क फ्रॉम होम कर, मतलब माउंटेन्स कर रही है। ओह गॉड, अभी ये 4 बजे तक चलेगा, 4 बजे शांत होनी है और उसके बाद खत्म होगा। पूरी रात जागना पड़ेगा भाई आज तो, पूरी रात। अभी मिठाई खिला रहे हैं। अभी जो रात को ना इनकी मेहंदी की रस्में हो रही थी, ज़्यादातर जो मेहंदी की रस्में होती है वो शाम को या दोपहर को हो जाती है, पर यहाँ पे 12 बज रहे हैं और पूरी रात जो है फंक्शन चलेगा। बहुत धूमधाम से शादी होती है पर बड़े सिंपल तरीके से होती है। तो देख सकते हैं आप, अभी फंक्शन चल रहा है। गाइज, भारत में अगर आप किसी भी कोने में चले जाएंगे ना, तो हर एक जगह का एक अपना कल्चर है, हर किसी की अपनी अपनी रस्में हैं। तो मैं सच बोलूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं ट्रैवल करूँ और वो जो कल्चर है ना वो मैं अपनी आंखों से देखूँ। पर वो सपना कब पूरा होगा ये तो पता नहीं। पर फिलहाल जो है वो मेहंदी चल रही है यहाँ पे, मेरे भाई की मेहंदी चल रही है। पूरी रात जो है फंक्शन है वो चलता रहा और सुबह हो गई है। पहाड़ों की सुबह बहुत सुंदर होती है, बहुत ज़्यादा। साथ ही साथ जो है, जैसे ही सुबह हुई वैसे ही जो पहाड़ी के जो गीत होता है, बैंड बाजा होता है ना, वो अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंट म्यूजिक होता है, तो वो सुनने में काफ़ी सुंदर और अलग लगता है। और साथ ही साथ जो है रस्में चल रही हैं। भाई साहब, शादी करना ना आसान नहीं है, तो देख सकते हैं आप रस्में कॉन्टिन्यूसली चल रही है। सबसे प्यारी रस्म जो मुझे शादी में ये लगी कि जो दूल्हा होता है वो हर किसी के पास जाकर ना भिक्षा मांगता है, और जो भी जितना कंट्रीब्यूट करना चाहता है भिक्षा में देता भी है। तो मेन जो है इस रस्म का ये है कि कल को, मतलब दूल्हा बोलता है कि कल को अगर मेरे पास पैसे भी ना हो, मैं तुझे कुछ खिला ना सकूँ, तो मैं तुझे भिक्षा जो है भिक्षा मांग कर तुझे तेरा ध्यान रखूँगा। तो बहुत प्यारी रस्म लगी जो मैंने कैप्चर भी की थी, और आप देख सकते हैं अर्जुन को, और अभी भी है, रस्में चली जा रही हैं, सुबह हो गई है और अब जो है थोड़ा सा डांस का टाइम है। फाइनली हम लोग जा रहे हैं वापस। 4-5 दिन हम रहे देसा में शादी अटेंड की, और जा रहे हैं वापस पैदल पैदल। धूप हो गई है, सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी, हर जैसे हर दिन होती है। सो हल्का सा बोलते हैं ना कि ज़्यादातर हम सारे इमोशनल हो गए वहाँ पे, सारे इतने ज़्यादा, पर जाना तो था ही, सारे रो रहे थे, पर बहुत 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 मज़ा आया। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम जैसा कब आना होगा। तो चल पड़ी है सेना घर को वापस, और जैसे हम आए थे पैदल, धीरे धीरे आए थे वैसे ही धीरे धीरे वापस भी जा रहे हैं। गाइस, कभी भी अगर आपको मौका मिलता है ना, कभी भी आपको देसा आने का, तो ज़रूर विज़िट करिएगा। आई होप कुछ आने वाले साल में जो है यहाँ पे गवर्नमेंट डेवलपमेंट भी करे, यहाँ पे रोड जो है वो पहुँचे, और प्रॉपर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी पहुँचे, और लोग आए, टूरिज्म प्रमोट हो, क्योंकि बेहद खूबसूरत जगह है। हम लोग वहां से आए हैं, वो पहाड़ देख रहे हो, ये हमने सारा नीचे उधर के पूरा गोल घूम के यहाँ, अभी हमने बहुत आगे जाना है। चलो, अर्जुन का घर वो उधर है, अभी ढोल बज रहे हैं वहां पे, आवाज आ रही ढोल बजने की।
यहाँ पे एको इतना है ना, रुको रुको, किरण कहाँ पे? किरण आगे चल गई, उसकी आवाज इतनी ज्यादा एको हो रही है इस टाइम, हम ऐसे बात करें चला चला के। कहाँ पे हो? इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करने वाली हूँ, थोड़ा सा ऐसे आगे चलेंगे हम, और ऐसे ही बहुत सी वीडियोज आती रहती है मेरे चैनल पे ट्रैवल और फूड के रिलेटेड। सो सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक चीज़ देखने को मिले, हर एक चीज़, ठीक है गाइस? सो बाय, टेक केयर, सी यू, सो बाय बाय।